दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के दुगरी स्थित ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल में सातवां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समारोह में पुलिस कमिश्नर प्रमोद बान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर प्रमोद बान, चेन ऑफ ग्रीनलैंड स्कूल के चेयरमैन राजेश रुद्रा, स्कूल के प्रेसिडेंट शब्द रुद्रा, दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दाना व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने समाज में फैली कुरीतियों पर नाटक पेश कर इन कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने विद्यार्थियों की प्रशंसा की और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। स्कूल के चेयरमैन राजेश रुद्रा ने बताया कि ये स्कूल 7 साल का हो गया है और अभिभावकों के सहयोग से लगातार उन्नति कर रहा है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल अमरजीत कौर सहित स्कूल का अन्य स्टाफ भी मौजूद था। आज हमारे ग्रीनलैंड स्कूल दुगरी में बच्चों का एनुअल फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमारे लुधियाना के पुलिस कमिश्नर श्री प्रमोद बान जी वो आ रहे हैं चीफ गेस्ट, उनके साथ एक सिविल जज है हमारे राहुल कुमार जी, वो आ रहे हैं। तो एक बच्चों को अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि बहुत हमारे ये नेक ऑफिसर हैं पुलिस के, बच्चों की ऊपर एक इमेज जाती है। जब हम अच्छा अफसर दिखाते हैं, एक नेक इमेज जाती है उनके बच्चों के ऊपर। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमने बच्चों ने तैयारी करी है कि माता पिता की किस तरह से आजकल जो आश्रम बन चुके हैं वहाँ फेंक के आते हैं, बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, पिता हो या माता बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी, उनको उनके प्रति वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, तो उसके ऊपर एक बच्चों ने बहुत अच्छी आइटम करी है, ताकि अपने सबसे बड़ी जो दौलत दुनिया में होती है वो माता पिता होती है, उनको संभालना ये बच्चों की जिम्मेवारी होती है। उसके साथ एक लड़की के ऊपर कि लड़की को हमारे समाज के अंदर एक रिस्पेक्टेबल स्थान मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बच्चों ने स्किट तैयार करी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयों के प्रति हमारा मैसेज है, हम इस फंक्शन के थ्रू दिखाना चाहते हैं। आज हमारे स्कूल ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल दुगरी में आज हम अपना 7वें साल का 7th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मना रहे हैं, जिसमें कि हमारे तकरीबन 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस फंक्शन के दौरान बच्चों ने अपनी एक फीलिंग्स प्रकट की है, जो कि हमारा स्कूल का थीम है नवरस फंक्शन का। उस नवरस के दौरान बच्चों ने अपने प्लेस के दौरान, आइटम्स के दौरान बच्चों ने एक अपनी फीलिंग्स जाहिर की है रिगार्डिंग द पेरेंट्स। एक हमारा प्ले है मुक्ति धाम, जिसमें बच्चों ने अपने माँ बाप के रिगार्डिंग की, जो कि आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उनको छोड़ के अनाथ फादर होम में जैसे ऑर्फनेज में जाकर छोड़ देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक प्ले हमने बच्चों ने प्ले किया है स्टेज के ऊपर, जिसमें मैसेज दिया गया कि ओल्ड एज के दौरान हमें अपनी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो उन्होंने हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक जो उन्होंने हमारी सेवा करी है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका अच्छे तरह से उनकी सेवा करें, उनके रिस्पेक्ट करें।